एशिया कप की तारीख वर्ल्ड कप में भी दोहराई गई। बाबर आजम को एक बार फिर टीम को बताना पड़ गया। एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच में बाबर आजम को टीम को अपने कप्तान होने की याद दहानी करवाना पड़ी। एशिया कप के मैच में हसन अली की गेंद पर कैच की अपील की गई और मोहम्मद रिजवान ने जल्दी से रिव्यू का इशारा कर दिया। अंपायर ने भी बाबर आजम से पूछने या कौमी कप्तान की जानिब से आने वाले किसी रद्द अमल से कबल ही थर्ड अंपायर से रिव्यू का कह दिया। ये सब देखते हुए हैरानी में डूबे बाबर आजम को अपने ग्राउंड में होने पर शक होने लगा और उन्होंने शाइस्ता अंदाज में टीम से दो बार कहा, मैं कप्तान हूँ। वर्ल्ड कप के फाइनल में भी ऐसा ही हुआ। जब कौमी क्रिकेटर्स विकेट के लिए बेचैन हुए तो खुद से अपील के बाद रिव्यू का कह दिया, जिस पर बाबर आजम ने शाहीन को यकीन दिलाने की कोशिश की, भाई कप्तान मैं हूँ। मैच के दौरान इस हल्के फुल्के मजाहिया लम्हे पर मीम्स बनने लगी, जिसमें बाबर आजम को हंसी मजाक में एक मजलूम कप्तान के तौर पर पेश किया जा रहा है।